नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साहिल और आप देख रहे हैं खोज स्टील। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट पेन बैग्स के बारे में। देखिए दोस्तों, जब बात की जाती है फर्नीचर की तो हम सभी के दिमाग में पुराने सोफा और चेयर्स आते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि जब से बीन बैग्स ने मार्केट के अंदर एंट्री मारी है, तब से लेके अब तक दोस्तों अबाउट 60% ऑफ द पॉपुलेशन कंसिडर करती है बीन बैग को अपनी पहली प्रेफरेंस इन कंपेरिजन टू सोफा एंड चेयर्स। वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि जितने भी बीन बैग्स होते हैं, पहली चीज़ तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, और दूसरी चीज़ ये दोस्तों, ये आपके होम या फिर ऑफिस में पड़े हुए बहुत अच्छे भी लगते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों ये टोटली अफोर्डेबल भी होते हैं। तो देखिए, अगर आप ऐसे में ढूंढ रहे हैं अपने लिए एक बढ़िया सा बीन बैग, तो आपको बता दूं कि आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपने हमेशा याद रखने हैं कोई भी एक बीन बैग को लेने से पहले। साथ ही इतना ही दोस्तों, मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए टॉप 5 बेस्ट बीन बैग्स जो इस टाइम पे लेके मार्केट में अवेलेबल है, और वो टोटली आपको अपने बजट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और बहुत इंफॉर्मेटिव भी होने वाला है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूं, वो ये है कि अगर आप ऐसी पैसे वसूल वीडियोस को देखने का बहुत शौक रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी पैसे वसूल वीडियोस हर रोज लेके आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से हेल्प होती है तो प्लीज आपने इसको लाइक किए बगैर कहीं नहीं जाना है। और हाँ, अगर आप अपने ढेर सारे पैसे बचाने का शौक रखते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, उसका चैट लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। चलिए, गेटिंग बैक टू द वीडियो, वापस बढ़ते हैं बाइंग गाइड की तरफ। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो आपने बिल्कुल इंश्योर करना है कोई भी एक बीन बैग को लेने से पहले, वो हो गया आपके बीन बैग का मटेरियल। याद रखिए कि हम हमेशा एक ऐसे बीन बैग को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे जिसका मटेरियल दोस्तों फॉक्स लेदर का होगा, क्योंकि दोस्तों फॉक्स लेदर जो मटेरियल है टोटली बेस्ट सूटेबल ऑप्शन बन जाता है, चाहे आपके आउटडोर्स हो या फिर इंडोर्स हो। इतना ही दोस्तों, जो फॉक्स लेदर मटेरियल है बहुत ईजी टू क्लीन भी है, काफ़ी आसानी से इसको आप रूखे गीले कपड़े से साफ भी कर सकते हैं। और दोस्तों, इतना ही नहीं, ये पेट फ्रेंडली भी है। इसके ऊपर आपको अपने पेट के नेल के स्क्रैचेस कहीं भी दिखाई देने वाले नहीं है। दोस्तों, फॉक्स लेदर आपके बीन बैग की लॉन्ग लाइफ और बेटर क्वालिटी के लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। तो याद रखेंगे इस पॉइंट को और कभी नहीं भूलेंगे कोई भी एक बीन बैग को लेने से पहले। तो सेकेंड पॉइंट जो आपने बिल्कुल इंश्योर करना है कोई भी एक बीन बैग को लेने से पहले, वो हो गया आपके बीन बैग का साइज। याद रखिए कि आपको मार्केट के अंदर बेसिकली 3 साइजेस ऑफ बीन बैग्स देखने को मिल सकते हैं। पहले होते हैं हमारे एक्सेल साइज के बीन बैग्स, दूसरे होते हैं हमारे डबल एक्सेल साइज के बीन बैग्स, और तीसरे होते हैं हमारे ट्रिपल एक्सेल साइज के बीन बैग्स। देखिए, अगर आप अपने लिए एक एक्सेल साइज वाले बीन बैग को कंसिडर कर रहे हैं तो आपका वेट 60 kg के अंडर होना चाहिए। अगर आप अपने लिए एक डबल एक्सेल साइज वाले बीन बैग को कंसिडर कर रहे हैं तो आपका वेट 85 kg के अंडर होना चाहिए। और अगर आप अपने लिए एक ट्रिपल एक्सेल साइज वाले बीन बैग को कंसिडर कर रहे हैं दोस्तों, तो आपका वेट 130 kg से अंडर होना चाहिए। देखिए, अगर आप मेरी मानेंगे तो आई वुड रिकमेंड कि आप हमेशा एक ट्रिपल एक्सेल साइज वाले बीन बैग को कंसिडर कीजिए, ताकि आप चाहे छोटे हो या फिर बड़े, थोड़े से थिन हो या फिर बल्कि, आप सभी के सभी बीन बैग का काफी आसानी से मजा उठा सकें। तो दोस्तों, इस पॉइंट को भी आप कभी नहीं भूलेंगे कोई भी एक बीन बैग को लेने से पहले। तो दोस्तों, थर्ड पॉइंट जो आपने बिल्कुल याद रखना है कोई भी एक बीन बैग को लेने से पहले, वो हो गया आपके बीन बैग की स्टिचिंग और उसका जिपर। याद रखिए दोस्तों, ऑब्वियसली जो आपका बीन बैग है ढेर सारी बीन्स को होल्ड करके रखता है, और अगर आप ऐसे में अपना वेट उस पर डालते हैं तो थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी उसकी वियर एंड टियर की हो जाती है। लेकिन अगर आपका बीन बैग डबल स्टिच्ड है तो आपको इस चीज की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आप हमेशा इंश्योर करेंगे कि जो आपका बीन बैग है डबल स्टिच होना चाहिए। दूसरी चीज ये दोस्तों कि जो आपका बीन बैग है उसकी जो जिपर है काफी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, प्लस आपके जिपर के ऊपर एक एक्स्ट्रा क्लोथ या फैब्रिक होना चाहिए, ताकि आप अपने जिपर और नॉर्मल फ्लोर पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को अवॉइड कर सकें। क्योंकि दोस्तों, अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है तो बड़ी चीज तो है, थोड़े बहुत स्क्रैचेस आपको फ्लोर पे देखने को मिल जाते हैं, प्लस ये आपके जिपर के लिए ही ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी भी दोस्तों क्वालिटी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। तो हम हमेशा इंश्योर करेंगे कि हमेशा एक ऐसे बीन बैग की तरफ जाएं जो ऑब्वियसली डबल स्टिच हो और उसका जिपर दोस्तों हमें अच्छी क्वालिटी का देखने को मिल जाए। दोस्तों, वो सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो आपने बिल्कुल याद रखने हैं कोई भी एक बीन बैग को लेने से पहले। तो चलिए, अब मैं आपको दिखाऊंगा टॉप 5 बेस्ट बीन बैग्स जिसका आप सभी को इंतजार था। स्वैट नंबर 5 पोजिशन, वी हैव सोलिमो पर्शियन ड्रीम्स बीन बैग।
प्राइस करीब करीब इसका आपको 2600 रुपीस के आसपास देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बात करते हैं इस बीन बैग के मटेरियल की, तो आपको फॉक्स लेदर का देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे वेलक्रो एंड जिपर की डबल प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। इतना ही दोस्तों, आपको इस बीन बैग के ऊपर एक हैंडल स्ट्रैप देखने को मिल जाएगा ताकि आप काफी आसानी से इसको कहीं भी कैरी कर सके। दोस्तों इस बीन बैग का वेट आपको 4 kg के आसपास देखने को मिल सकता है। और बात करें इसके लेंथ, विड्थ और हाइट की, तो आप बता दूं आपको यहाँ पे 71x71x124 cm के इसके डायमेंशन देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों ऑब्वियसली ये XXL बीन बैग है, ये आपके लिविंग रूम के लिए, बेडरूम के लिए या फिर ऑफिस के लिए एक बेस्ट परचेज साबित हो सकता है। दोस्तों प्रोडक्ट के ऊपर आपको टेरिफिक 1 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है, तो आप चाहें तो इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। याद रखिए सभी प्रोडक्ट्स के बेस्ट बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। स्पॉट नंबर 4 पोजीशन, वी हैव अर्बन स्टाइल डेकोर बीन बैग। प्राइस करीब करीब इसका आपको 2200 रुपीस के आसपास देखने को मिल जाएगा। दोस्तों फॉक्स लेदर का मटेरियल है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे वेलक्रो एंड जिपर की ड्यूअल प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। इतना ही दोस्तों, आपको यहाँ पे एक फुटरेस्ट भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इस पूरे बीन बैग की जो मुझे डिजाइन है, टोटली एक चेयर जैसा भी लगता है। आपको बता दूं कि इस बीन बैग का वेट दोस्तों आपको करीब करीब 2 kg and 500 grams के आसपास देखने को मिल जाएगा। ऑब्वियसली एक XXL साइज का बीन बैग है। और बात करें इसके डायमेंशन की, तो आपको यहाँ पे 70x70x95 cm की इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट देखने को मिल सकती है। दोस्तों ये आपके लिविंग रूम के लिए, बेडरूम के लिए या फिर ऑफिस के लिए एक बेहतरीन चॉइस बन सकता है, तो आप चाहें तो इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। और प्रोडक्ट के ऊपर आपको 6 महीने की वारंटी देखने को मिल जाती है। दोस्तों टॉप 5 सेक्शन में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि सभी प्रोडक्ट्स के बेस्ट बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप उन प्रोडक्ट के लिंक्स पे क्लिक करके उनको बाय करते दोस्तों, तो पहली चीज़ तो ये कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता, दूसरी चीज़ ये कि आपके ऐसा करने से हमारी और हमारे चैनल की थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। देखिए हम आपके लिए कोई भी स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं लेके आते हैं, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की प्यार की वजह से ही चलता है। चलिए गेटिंग बैक टू द वीडियो, वापस बढ़ते हैं टॉप 5 सेक्शन की तरफ। एट नंबर 3 पोजीशन वी हैव सतवा क्लासिक बीन बैग। प्राइस करीब करीब इसका आपको 2000 रुपीस के आसपास देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इस बीन बैग के मटेरियल की, तो आपको फॉक्स लेदर का इसका मटेरियल देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पे वेलक्रो एंड जिपर प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। इतना ही नहीं, इस बीन बैग का जो वेट है दोस्तों आपको 3 kg के आसपास देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं लेंथ, विड्थ और हाइट की, तो आपको बता दूं कि इस बीन बैग में आपको 73x73x111 cm के डायमेंशंस देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ये बीन बैग आपके लिविंग रूम के लिए, बेडरूम के लिए और ऑफिस पर्पस के लिए एक बेहतरीन चॉइस बन सकता है। इस बीन बैग के ऊपर आपको 6 महीने की वारंटी देखने को मिल जाती है, तो आप चाहें तो इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। स्वैट नंबर 2 पोजीशन, वी हैव अमेज़न सोलिमो बीन बैग। प्राइस करीब करीब इसका आपको 2000 रुपीस के आसपास देखने को मिल जाएगा। दोस्तों फॉक्स लेदर मटेरियल का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, साथ ही इतना ही नहीं आपको वेलक्रो एंड जिपर की ड्यूअल प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। दोस्तों आपको याद दिला दूं कि इस बीन बैग का जो वेट है करीब करीब आपको 4 kg के आसपास देखने को मिल जाएगा। प्लस आपको यहाँ पे एक हैंडल स्ट्रैप देखने को मिल जाता है ताकि आप काफी आसानी से इस बीन बैग को कहीं भी कैरी कर सकें। और दोस्तों अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस की, तो आपको 71x71x124 cm की इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट देखने को मिल सकती है। दोस्तों ये बीन बैग आपके ऑब्वियसली ऑफिस पर्पस के लिए, लिविंग रूम एंड बेडरूम के लिए एक बेस्ट परचेज साबित हो सकता है। इस बीन बैग के ऊपर दोस्तों आपको 1 साल की टेरिफिक वारंटी देखने को मिल जाती है, तो आप चाहें तो इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। सो एट फर्स्ट पोजिशन वी हैव अर्बन स्टाइल डेकोर बीन बैग। प्राइस करीब करीब इसका आपको 2100 रुपीस के आसपास देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे फॉक्स लेदर का इस्तेमाल किया गया है। इतना ही नहीं, आपको इस बीन बैग के अंदर वेलक्रो एंड जिपर की ड्यूअल प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। दोस्तों इस बीन बैग के अंदर आपको एक हैंडल स्ट्रैप देखने को मिल जाता है ताकि आप काफी आसानी से कहीं भी कैरी कर सके। प्लस आपको इस बीन बैग के साथ एक फुट रेस्ट भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस बीन बैग का वेट आपको करीब करीब 5 kg के आसपास देखने को मिल जाएगा। ऑब्वियसली एक XXL साइज का बीन बैग है। और अब बात करें इसके लेंथ, विड्थ और हाइट की, तो आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे 70x70x116 cm के इसके डायमेंशंस देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ये बीन बैग आपके ऑफिस पर्पस के लिए, लिविंग रूम एंड बेडरूम के लिए एक टेरिफिक परचेज साबित हो सकता है। और इस बीन बैग के ऊपर आपको 6 महीने की वारंटी देखने को मिल जाती है, तो आप चाहें तो इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं।
दोस्तों ये थे आज के माय टॉप 5 बेस्ट बीन बैग्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में ऐसी होम डेकोर्स के ऊपर, फर्नीचर्स के ऊपर नई नई वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूं, तो ये चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हैं, क्योंकि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करना बिल्कुल भी नहीं भूलता। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो इसको आप लाइक तो बिल्कुल कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए फिर मैं साहिल मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।